धनबाद के दो कोयला कारोबारी अनिल गोयल और दीपक पोद्दार के 50 से अधिक ठिकानों पर आयकर की चल रही छापेमारी से धनबाद में अभी हाल फिलहाल में हुए कोयले के अवैध धंधे के भी सबूत मिल सकते हैं, ऐसा धनबाद के कोयला कारोबारी ही बता रहे हैं। वैसे अब तक जानकारी के अनुसार छापेमारी में नगद 3 करोड़ बरामद हुए हैं, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि बड़ी मात्रा में नगद राशि बरामद हो सकती है। ज्वेलरी और बैंक खाता एवं लॉकर भी मिले हैं। इन सब की जांच एवं मूल्यांकन के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। जमीन में निवेश के कागजात भी मिले हैं। ये छापेमारी सिर्फ धनबाद ही नहीं बल्कि बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी चल रही है। दोनों कारोबारी के कई साझेदार और कर्मचारियों के ठिकानों पर भी कार्रवाई चल रही है। कई हार्डकोर उद्योग में भी छापेमारी की गई। सूत्र बताते हैं कि अनिल गोयल, दीपक पोद्दार के अलावे सुरेश अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, साबिर आलम, पिंटू अग्रवाल, अनिल खेमका, राणा रंजीत सिंह आदि के ठिकानों को भी खंगाला जा रहा है। अनिल गोयल दर्जन भर से अधिक हार्डकोर भट्टा चला रहे हैं। कई भट्टा साझेदारी में है। आयकर रिटर्न के मुकाबले मिले कागजात संकेत दे रहे हैं कि कर वांछना की गई है। अगले 36 से 48 घंटे तक कार्रवाई चलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये छापेमारी बड़े आकार में हो रही है। छापेमारी में झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार के आयकर अधिकारियों को शामिल किया गया है। चल रही छापेमारी में 150 से अधिक अधिकारियों को लगाया गया है। ये छापेमारी कई राज्यों सहित झारखंड के बोकारो, मधुपुर में भी चल रही है। इस छापेमारी की धनबाद में काफी चर्चा है। धनबाद के कई जगहों पर जांच पड़ताल की जा रही है। छापेमारी के एक दिन पहले आयकर अधिकारी धनबाद व पड़ोसी जिलों में पहुंच गए थे। गोपनीय तरीके से विभिन्न जगहों पर ठहरे हुए थे। बुधवार की सुबह सभी को लोकेशन दिया गया। सूत्रों के अनुसार 1 घंटे के भीतर सभी अधिकारी अपने अपने लोकेशन पर पहुंच गए। सुबह 8 बजे के बाद एक साथ सभी जगहों पर छापेमारी शुरू की गई। कहीं कहीं तो टीम सुबह 6 बजे ही पहुंच गई और निर्देश का इंतजार कर रही थी। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।